नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में AIMIM का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा। उसके 5 सदस्य चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे हैं और अब बिहार में त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होने वाला है उस पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का इम्पैक्ट पड़ गया है। दरअसल AIMIM का चुनाव चिन्ह पतंग है, जबकि इससे पहले जो बिहार में पंचायत चुनाव होते थे उसमें जिला परिषद के सदस्यों को पतंग चुनाव चिन्ह दिया जाता था। लेकिन क्योंकि अब बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में AIMIM का एंट्री हो चुका है, विधानसभा में उसके सदस्य हैं और बिहार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है वो दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, ऐसे में दलों का चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को नहीं दिया जा सकता, जिस कारण अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद के प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह में बदलाव किया है। अब जिला परिषद प्रत्याशियों को जो पतंग चुनाव चिन्ह दिया जाता था उसके बदले अब उन्हें चक्की यानी जाता चुनाव चिन्ह देगा। इसके साथ 19 अन्य चुनाव चिन्ह भी होंगे जिला परिषद के प्रत्याशियों के लिए, जबकि अन्य जो पंचायतों के शेष पदों के लिए चुनाव है उनके चुनाव चिन्ह पहले के जैसे ही रहेंगे। बिहार में 2.5 लाख से अधिक पदों पर तकरीबन सितंबर से नवंबर में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चिन्ह का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 श्रेणी के पदों के लिए कुल 129 चुनाव चिन्ह घोषित किया है। सर्वाधिक 36 चिन्ह मुखिया प्रत्याशियों के लिए है। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी सूची में बताया है कि 2016 के पंचायत चुनाव चिन्ह की सूची को अवक्रमित कर दिया गया है, 2021 में नई सूची के तहत चुनाव कराया जाएगा। आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 20, पंच के लिए 10, सरपंच के लिए 21, मुखिया के लिए 36, पंचायत समिति सदस्य के लिए 10, जिला परिषद सदस्य के लिए 20 तथा इसके अलावा 12 सुरक्षित चुनाव चिन्ह की सूची भेजी है। जिलों से कहा गया है कि तय चुनाव चिन्ह से ज़्यादा संख्या में नामांकन की स्थिति में सुरक्षित चिन्ह को आवंटित किया जाए। तो ये एक खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ। पंचायत चुनाव 2021 में काफ़ी देरी पहले ही हो चुकी है, पहले EVM विवाद को लेकर, उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के कारण। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अंतिम तैयारियों में जुट गया है। चिन्हों का ऐलान तो काफ़ी पहले कर दिया गया था, लेकिन अब एक छोटा सा बदलाव उसमें देखने को मिला है जो कि AIMIM के चुनाव चिन्ह को से संबंधित है। और अब जो खबर मिल रही है चुनाव से संबंधित, पंचायत चुनाव से संबंधित, कि कब तक चुनाव हो जाएंगे, तो अगस्त के आखिरी सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह से बिहार में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग हम देख सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई भी स्पष्ट सूचना जारी नहीं की गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, लेकिन जिस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव से संबंधित तैयारियां कर रहा है उसको लेकर आप अनुमान लगा सकते हैं। और वही अनुमान हम अब तक बता रहे हैं कि अगस्त के आखिरी सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह से बिहार में पंचायत चुनाव का प्रथम चरण हमें देखने को मिल सकता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।